गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6D का। क्वेश्चन नंबर 1 आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर ए देखिए, 80 डिवाइड बाय 2। तो हमने इससे पहले बताया था कि डिविडेंड क्या होता है। ये डिविडेंड होता है और ये डिवाइज़र होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको सबसे पहले इस फॉर्म में लिखना है। इस फॉर्म में डिविडेंड अंदर रहेगा और डिवाइज़र आपका बाहर रहेगा। तो सबसे पहले आप इस फॉर्म में लिखने के बाद उसके बाद डिवाइड करेंगे। ओके, तो हमने यहाँ पर लिख लिया है 2 डिवाइड बाई 80। 2 डिवाइज़र है और 80 आपका क्या है, ये आपका डिविडेंड है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे, उसके बाद हम करेंगे। 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 फोर जा 8, और उसके बाद क्या करेंगे, 8 का 8 माइनस कर देंगे, ठीक है। 8 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। फिर 0 उतार लेंगे, टेबल पढ़ेंगे, 2 0 जा 0, और फिर 0 में से 0 माइनस करेंगे तो कट हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। ओके बच्चों, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी, 48 डिवाइड बाई 4। तो पहले इसको इस तरह से लिखेंगे, उसके बाद करेंगे। तो उसके बाद इस तरह हमने लिख लिया है। अब 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 वन जा 4, तो उसके बाद 4 में 4 माइनस करेंगे तो हो जाएगा कट हो जाएगा, 4 में 4 जाएगा कट, कुछ नहीं बचेगा। उसके बाद 8 हम उतार लेंगे, उसके बाद 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 टू जा 8, फिर 8 में से 8 माइनस करेंगे और हमारा बचेगा कट, हमारा आंसर हो जाएगा ये 12, हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर एच, 77 डिवाइड बाई 7। तो पहले क्या करेंगे, आप इसको इस तरह से लिख लेंगे, 7 डिवाइजर हो जाएगा ये, और ये डिविडेंड अंदर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम टेबल पढ़ेंगे, 7 का टेबल पढ़िए, 7 वन जा 7, उसके बाद क्या करना है, 7 में से ये माइनस करना है, तो 7 में से 7 माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचेगा। फिर उसके बाद हम ये उतार लेंगे 7, और उसके बाद फिर से एक बार हम टेबल पढ़ेंगे, 7 वन जा 7, उसके बाद फिर हम इसको माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचेगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर एम देखते हैं, 60 डिवाइड बाई 10। तो इसमें देखिए 60 क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा और 10 डिवाइज़र हो जाएगा। हमने बताया हुआ है कि डिविडेंड क्या होता है, डिवाइज़र क्या होता है। तो आप उसको इस तरह लिख लेंगे, डिवाइज़र इधर और डिविडेंड इधर, ठीक है। उसके बाद 10 का टेबल पढ़ेंगे हम, तो 10 वन जा 10, 10 टू जा 20, इस तरह से हो जाएगा 10 सिक्स जा 60। उसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 0 में से 0 गए कट, 6 में 6 गए, कुछ नहीं बचेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा 6। ओके बच्चों, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें क्या करना है, डिवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर ए देखिए, 333 बाई 3। तो इसको हम पहले कॉपी में लिख लेंगे यहाँ। तो देखिए हमने लिख लिया है। तो अब इसमें देखेंगे डिविडेंड कौन है और डिवाइज़र कौन है। तो हम जानते हैं कि डिविडेंड इसमें ये वाला हो जाएगा और डिवाइज़र ये हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में लिख लेंगे, डिवाइज़र ये और डिविडेंड अंदर। ओके, तो सबसे पहले इस फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद हम डिवाइड करेंगे। तो बच्चों हमने लिख लिया हुआ है इधर, अब क्या करेंगे हम, 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 वन जा 3, अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 3 में से 3 गए कट, उसके बाद फिर ये उतारेंगे 3, फिर हम टेबल पढ़ेंगे, 3 वन जा 3, फिर माइनस करेंगे कट, कुछ नहीं बचेगा, फिर यहाँ पे 3 उतार लेंगे, उसके बाद फिर पढ़ेंगे 3 वन जा 3, और इसे भी माइनस कर देंगे, 3 में से 3 गए कुछ नहीं बचेगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर 111।